आज ये जो सेशन चला रहे हैं हम, उस सेशन में पहले मैं आपको बता दूंगा एसआई यूनिट के बारे में। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूं का लिंक भी दे चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, कम से कम 150 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो जनरली यूज होते हैं, और इसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एमसीक्यू भी आपको करने वाला हूँ, बट यहाँ पे वो 150 का 150 जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट। देखिए, पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका एग्जॉर्पियोमीटर। एग्जॉर्पियोमीटर क्या करता है कि एग्जॉर्पियोमीटर द कोई ग्लास है, कोई ग्लास में सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्लासेज इन द लिक्विड्स। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या है? द मेजरिंग ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, एसिडोमीटर क्या है आपका? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है किसी एसिड का वो देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मतलब किसी लिक्विड में एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको जांचने के लिए हम एसिडोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद है एक्शन मीटर। एक्शन मीटर क्या करता है आपका? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर करता है, स्पेशली यूवी रेडिएशन को मेजर करता है। उसके बाद है एरोमीटर। एरोमीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ एयर एंड अदर गैसेज। यानी सिंपल इसका क्या फंडा है? एरोमीटर। एरोमीटर मीन्स डेंसिटी वेट, मेजरिंग ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, मेजरमेंट ऑफ द वेट। ठीक है, एल्कोहल मीटर क्या करेगा? द प्रोपोर्शन ऑफ एल्कोहल इन द सोल्यूशन। ठीक है, एल्कली मीटर, ठीक है, द मेजरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन। ठीक है, अल्टीमीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मेजर करता है ये। ठीक है, अल्टीट्यूड को मेजर करता है ये वाला जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड। मैं बीच बीच में बताते चलूंगा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। एमीटर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद है आपको एनेमोग्राफ या फिर एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या करता है? द प्रेशर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द विंड, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ द विंड को मेजर करता है ये। ठीक है, एरियोमीटर क्या करता है आपका? एरियोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। ठीक है, ऑर्थोस्कोप क्या है? द मेजरिंग ऑफ द एग्जामिंग द इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द ज्वाइंट्स। ठीक है, एटोमीटर क्या है आपका? द मेजरिंग ऑफ द इवेपोरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एटमोमीटर। ठीक है, एटमोस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ द एक्यूरिटी ऑफ द हियरिंग। ठीक है, ऑक्सोमीटर। ऑक्सोमीटर क्या है? द मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, द मैग्नीफाइंग पावर, जो आप हेडफोन वगैरह जो यूज करते हैं उसको SUX लिखा जाता है कहीं पे, दैट मीन द साउंड का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो। ठीक है, वो तीन तरह से सप्लाई की जाती है, तो वही आप सुनते हैं। उसके बाद है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या करता है? द रीडिंग ऑफ द एयर प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर क्या है इसका? द मेजरिंग ऑफ द एयर प्रेशर। दोनों चीज एक ही है, ये ग्राफ यानी ये प्लॉटेड फॉर्म में होता है, ये डायरेक्ट आपको रीडिंग बताता है। ठीक है, तो बैरोस्कोप क्या है? द वेरिएशन बताता है एटमोस्फेरिक्स प्रेशर का। ठीक है, वेरिएशन बताता है एटमोस्फेरिक प्रेशर का। उसके बाद है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? ठीक है, रेडिएंट एनर्जी इन्फ्रारेड लाइट्स। ठीक है, उसके बाद है ब्रांचियोस्कोप। ब्रांचियोस्कोप का मतलब होता है द एग्जामिन द विंड पाइप। ठीक है, क्लोरीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरीमीटर आप इसको ध्यान रखिए, क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर क्या करता है? ठीक है, एब्जॉर्ब एंड द इन्वॉल्व हीट्स को मेजर करने के लिए क्लोरीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या है? कार्डियोग्राफ द मूवमेंट ऑफ हार्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर क्या करता है आपका? द मेजरिंग ऑफ द शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस। शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस, कैथेटोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको साइलोमीटर। साइलोमीटर क्या करता है आपका? इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग हाइट ऑफ द क्लाउड सीलिंग अबव द अर्थ। ठीक है, उसके बाद है आपका सेरेनोग्राफ। सेरेनोग्राफ क्या करता है आपका? सेरेनोग्राफ जो है द पेन एक्यूरेंस फॉर द थंडर एंड द लाइटिंग्स, जो आपको वो जो चमकता जो है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लोरोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट मीटर है। क्लोरोमीटर क्लोरीन की सोल्यूशन को मेजर करता है। ठीक है, क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट है वो टाइम के साथ एक्यूरेसी को मेजर करता है। जैसे आप नहीं देखे आप स्टॉप वॉच, ठीक है,
तो स्टॉप वॉच में कौन सा होता है? क्रोनोग्राफ, एक होता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है? ये वेरी एक्यूरेट लाइन है, ठीक है, ये एक्यूरेट लाइन को मेजरमेंट करता है, ठीक है। मैकेनिकल वॉच, ठीक है, और हाई ग्रेड मोमेंट, जैसे आपकी वॉच की जो 1 2 3 4 5 जैसे ही वो लिखा जाता है ना, ठीक है, वो लाइन को एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोनोस्कोप, ये शॉर्ट इंटरवल है, शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्लिनोमीटर, सॉरी क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या करता है? स्लोप और एलिवेशन की मेजरमेंट देता है। उसके बाद है क्लोरीमीटर, मैंने आपको बताया क्लोरीमीटर क्या है आपका, क्लोरीमीटर है डिटरमाइनिंग द कलर, ठीक है। क्रोनोग्राफ व्यू द क्रोमा ऑफ द सन, ठीक है, वो जो सन के जो बाहरी कक्ष है उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है, उसको व्यू करने के लिए क्रोनोग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है। कूलम्ब मीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्ब मीटर, द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्राइटोमीटर, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग फॉर द पावर मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है कायरोमीटर, कायरोमीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ लो टेम्परेचर, इट कैन बी ऑफ द मतलब लो टेम्परेचर, जैसे फ्रीजिंग से पहले वाला, ठीक है। उसके बाद है जायरोस्कोप, गायरोस्कोप क्या करता है, सॉरी कायरोस्कोप से, कायरोस्कोप मतलब द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मेजरमेंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन को बताता है ये। उसके बाद है साइनोमीटर, साइनोमीटर क्या करता है? ब्लूनेस ऑफ द स्काई ऑफ द ओशन, उसको मेजरमेंट देता है ये, ठीक है। उसके बाद है साइलोग्राफ, साइलोग्राफ क्या करता है? डिस्क्राइबिंग द आर्क ऑफ द सर्कल विदाउट कंपास, ठीक है। उसके बाद है साइलोमीटर, ये क्या करता है? द रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील बताता है ये। देखिए साइलोमीटर को ही कोलबरेट करके जो हम आपके जो गाड़ी का जो स्पीड आपको पता चलता है ना, वो साइलोमीटर का ही कोलबरेशन करके वो आपके स्क्रीन को ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है काइमोमीटर, काइमोमीटर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक वेव को बताता है ये, ठीक है। उसके बाद है काइटोमीटर, काइटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग सेल्स, ठीक है। डीसेलेरोमीटर, डीसेलेरोमीटर क्या करता है? डीसेलेरेशन को मेजर करता है। ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। डेक्लिनोमीटर, डेक्लिनोमीटर क्या करता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को, डेक्लिनेशन को बताता है, जैसे नॉर्थ और साउथ का जो डेक्लिनेशन होता है ना वो बताएगा। डेरेंडोमीटर ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को बताता है। उसके बाद डेइगोमीटर, डेइगोमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बताता है, ठीक है। उसके बाद ये उतना मेजर नहीं है। ड्यूरोमीटर, ठीक है, ये हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस बताता है, ठीक है। डायनेमोमीटर क्या करता है? ये मेजरिंग ऑफ द मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गैसियस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए ये इलेक्ट्रोमीटर को, इलेक्ट्रोमीटर को प्रेस किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजरमेंट देने के लिए इलेक्ट्रोमीटर को प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द बॉडी, डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द बॉडी। उसके बाद आप सुनते होंगे इंडोस्कोप, इंडोस्कोप क्या है? द विजुलाइजेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए होलो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंडोस्कोपी होती है उस टेस्ट को बोलते हैं, ठीक है, एंडोस्कोप है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। इग्रोमीटर क्या करता है? द मेजरिंग ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर भी बोलते हैं, इवेपोरीमीटर भी बोलते हैं इसको, द मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, कितना रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इवेपोरीमीटर। फैथोमीटर है, इसका काम है द अंडर वाटर जो डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, द अंडर वाटर डेप्थ को, या फिर डेप्थ ऑफ वाटर बोल सकते हैं, बाय यूजिंग द साउंड, ठीक है। फाइबर स्कोप्स कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोमीटर है इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है, प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर है, इसका डिटेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। गैसोमीटर क्या है? द मेजरिंग ऑफ द होल्डिंग एंड मेजरिंग ऑफ द गैसेज, कितना होल्ड करेगा, ठीक है। एक गैस्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है, गैस्ट्रोस्कोप का मतलब होता है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्जाम द इंटीरियर ऑफ द स्टोमेच, पेट के अंदर ही आंतरिक भाग, जिसको अपने अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हो, ठीक है, तो गैस्ट्रोस्कोप्स, ठीक है। उसके बाद है जायरोग्राफ, ठीक है, ये क्या करता है? व्हील को काउंटिंग द व्हील, व्हील रिवोल्यूशन, ठीक है। तो गायरोस्कोप वो नहीं देखते आप, नंबर ऑफ आरपीएम काउंट करना हो तो।
हेप्टोमीटर क्या करता है, सेंसिटिविटी ऑफ टच। हेलियोग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलियोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बताता है, ठीक है। हेलियोमीटर क्या है, अपरेंट डायमीटर ऑफ सन, ठीक है। हेलियोस्कोप्स, ठीक है, इंजरी ऑफ आइज को, ठीक है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को बताएगा। इसमें एक और होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर को बताता है, किस कंडीशन में, वाटर वेपर के कंडीशन में, ठीक है। एक हाइग्रोस्कोप है, ये भी क्या करता है, व्यू इन द अंडर वाटर, ठीक है, कोई इतना नहीं है। हाइग्रोस्कोप का है, सेम कंडीशन है, दोनों हाइग्रोमीटर और हाइग्रोस्कोप है। ये क्या करता है, ये पूरा का अप्रोक्सिमेट जो ह्यूमिडिटी होती है वो एयर का, वो बताएगा हाइग्रोस्कोप, ठीक है। इंटरफेरोमीटर क्या करता है, एनालाइज द स्पेक्ट्रा ऑफ द लाइट्स। के बाद ये है लैक्टोमीटर, दूध की डेंसिटी ऑफ दूध की बताता है ये। लैक्टोस्केप क्या है, रिचनेस ऑफ द प्योरिटी एंड रिचनेस ऑफ मिल्क, ठीक है। ड्यूसीमीटर, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को बताता है ये, ठीक है। लॉक्स मीटर है, ये इल्यूमिनेशन को बताएगा, ठीक है। मैग्नेटोमीटर है, ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। मैनोमीटर ये बताता है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड और ए गैस, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर है, द वेरी स्मॉल जो सब्सटेंस, जैसे बोलते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर। आप माइक्रो नहीं सोचते, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट अमाउंट, माइक्रोस्कोप किसका बोलते हैं, द मैग्नीफाइंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये नेफेलोमीटर, ये क्या करता है, क्लाउडिनेस को मेजर करता है, ठीक है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर हाउ मच डिस्टेंस यू आर ट्रेवल, वो कौन बताता है आपको, ओडोमीटर यानी गाड़ी के ऊपर जो आपको डिस्टेंस वाला, एक तो होता है स्पीडो, स्पीड बताता है, एक होता है नीचे जो डिस्टेंस, वो उस मीटर को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओ मीटर है, ओ मीटर वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। उसके बाद है ओमबरोमीटर, ये बताता है मेजरिंग ऑफ रेन, ठीक है। एक हाइड्रोग्राफ होता है, वो बताता है कि कितना, मतलब हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोग्राफ जो होता है वो रेन गेज का जो इंटेंसिटी वगैरह है वो उसकी तरफ से बताते हैं। ऑप्टोमीटर क्या है, टेस्टिंग ऑफ विजन है, ठीक है। इसके बाद इधर से कोई इंपॉर्टेंट, यहाँ ये ओस्मोमीटर है, ये क्या आता है, ओस्मिक प्रेशर को मेजरमेंट देने के लिए यूज किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये पेडोमीटर इंपॉर्टेंट है, क्या है ये पेडोमीटर, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेवल ऑन फुट, ठीक है। उसके बाद है पेरियोमीटर, ये क्या करता है, द रोड सर्फेस टू द व्हील मूवमेंट, ठीक है। रजिस्टेंस को बताएगा, कितना रजिस्टेंस जनरेट किया हो रहा है उसमें, ठीक है। फोटोमीटर है, ये लाइट की इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोमीटर। उसके बाद पीजोमीटर, पीजोमीटर क्या करता है, प्रेशर हेड बताता है, ठीक है। प्रेशर हेड और कंप्रेसिबिलिटी को बताता है एनी लिक्विड, ठीक है, एनी लिक्विड वो, या फिर एनी लिक्विड जैसे एयर हो गया आपका, वाटर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब बताता है, ठीक है। पोलरीमीटर क्या करता है, ये बताता है आपका पोलराइज लाइट के बारे को मेजर करता है। पैरोमीटर पोरोसिटी को, डिग्री ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। पैटोमीटर द प्लांट हु अब्जॉर्ब वाटर द रेट ऑफ, ठीक है, उसका क्या रेट है उसको बताएगा ये। प्रोटोस्कोप क्या करता है, ये रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहाँ। ये भाई एक पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर क्या करता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स भी बताता है। पिक्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, या फिर ऐसे बोलते हैं टेस्टिंग डिवाइस भी है। उसके बाद पायरोमीटर क्या करता है, ये वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। पायरोस्कोप क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट हीट को मेजर करता है ये, ठीक है। उसके बाद कोई और, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी मीटर, द क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बताएगा ये, ठीक है। उसके बाद रडार स्कोप, ये क्या करता है, डिटेक्टिंग रडार सिग्नल्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर द यूज द डिटेक्टिंग ऑफ द रडार सिग्नल। रेडियोमीटर क्या करता है, ये रेडिएशन एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। रेडियोस्कोप्स ऑब्जेक्ट व्यू करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रेफ्रेक्टोमीटर क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट को बताएगा, ठीक है। रियोमीटर ये क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ द एनी फ्लूड या फिर फ्लो मेजरमेंट बताता है। विस्कोसिटी बताता है, द मेजर ऑफ द फ्लो लिक्विड विच कैनॉट बी डिफाइंड बाय द विस्कोसिटी अलोन, ठीक है। सेलेनियोमीटर क्या करता है, साल्ट का सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ द साल्ट सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। रेटामीटर क्लोज ट्यूब को बताएगा,
मतलब रेट ऑफ द लिक्विड गैस इन ए क्लोज ट्यूब, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो है वो बताएगा इंस्ट्रूमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द अर्थक्यूब। सिस्मोमीटर जो होता है वो अर्थक्यूब के इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सैरीमीटर जो है वो क्वालिटी ऑफ सिल्क बताता है। उसके बाद है सैलरी मीटर, ये क्या करता है सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज करता है। सोनार जो है लोकेटिंग ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, सोनार क्या करता है द इंस्ट्रूमेंट फॉर द लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। सोनोग्राफ क्या है एनालाइजिंग द साउंड्स, ठीक है। ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, वेलोसिटी बेस्ड ऑन द एडी करंट, ठीक है। बहुत सारे करंट है, मैं एक ऑब्जेक्टिव का जो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है जिसमें मैं एसआई यूनिट्स हो गया, आपके इंस्ट्रूमेंट हो गया, द ब्रांचेस ऑफ द साइंस हो गया, उसके इंटायर कवरेंस में मैं आपको, या फिर डिस्कवरी इन्वेंशन से रिलेटेड मैं एक पूरे इंटायर का एमसीक्यू बनाने वाला हूँ, जो 100 में 100% एग्जाम के लिए बनाया ही गया है। मतलब वो वैसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इसमें थोड़ा इसलिए तेजी से चलता हूँ ताकि 200 के लगभग ये हैं आपके मीटर्स वगैरह हैं, तो आपके स्क्रीन पे मिल रहा है। आपको जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप देख लीजिए, या फिर ऐसे ही आप वीडियो को चला दीजिए, आप कान में लगा के सुनते भी रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा किस मीटर, किसके लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रिगोनोमीटर। ट्रिगोनोमीटर क्या कहता है सॉल्विंग ऑफ द ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। उस पर है ट्रोमोमीटर, ठीक है। स्लाइड्स ऑफ द अर्थक्यूब शॉक्स, ठीक है, जो पी वेव और उसके लिए निकलते हैं उसको, शॉक्स को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ट्रोपोमीटर क्या है, ट्रोपोमीटर द मेजरिंग ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। टर्बिडीमीटर क्या है, ये द मेजरिंग ऑफ द टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कितना जो लिक्विड टर्बिड है उसको, ठीक है। टर्गोमीटर है द मेजरिंग ऑफ द टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी। उसके बाद यूडोमीटर है, यूडोमीटर द मेजरिंग ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। यूरिनोमीटर क्या है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का मेजर करने के लिए ये किया जाता है। वेपोरोमीटर क्या है द मेजरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है। वेलोनोमीटर क्या है इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। वेलोमीटर ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है वेलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वायोमीटर क्या है, वायोमीटर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ द रिवोल्यूशन ए कैरिज व्हील एंड अर्ली फ्रॉम द ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर क्या करता है रिवोल्यूशन बताता है उसका, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइब्रेशन, विब्रोग्राफ क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। विब्रोमीटर क्या करता है मेजरिंग ऑफ द वाइब्रेशन। विस्कोमीटर क्या करता है द मेजरिंग ऑफ द विस्कोसिटी, ठीक है। विसोमीटर क्या करता है द फोकल लेंथ ऑफ द आईज। वोल्टमीटर मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। और वोल्टामीटर, देखिए वोल्ट और वोल्टामीटर, आप स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मैं खुद गलती करके आया था इसको, तो मैं आपको बता दूं वोल्टामीटर और वोल्टमीटर क्या करता है इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इनडायरेक्टली, और वोल्टमीटर क्या है इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। वॉट मीटर क्या है इलेक्ट्रिकल पावर को बताता है, ये यूनिट है वॉट मीटर, इसका वॉट है यूनिट, ठीक है। और वॉट मीटर क्या है इसका इलेक्ट्रिकल पावर बताता है। इसके बाद है जाइमोमीटर, ये क्या करता है मेजरिंग ऑफ द डिग्री ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, ये मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद है जाइलोमीटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड्स बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड्स। एंड जैंथोमीटर क्या करता है द कलर ऑफ द सी एंड लैक वॉट। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच यूज इन द वेरियस पर्पस एंड द थ्रू ऑफ द थ्रू एंड इंटायर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें से इसका जो मतलब कंक्लूजन कह सकते हैं, उसका कंक्लूजन जो है वो आपके इसके बाद एमसीक्यू का जो आने वाला है, जो आपके बिहार एसआई हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब एसएससी यूपीएससी बिहार दरोगा, मतलब जो जितने नंबर ऑफ एग्जाम है जहां पे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक एमसीक्यू का वीडियो बन रहा है, उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। और उसके लिए क्या कीजिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए एग्जाम से पहले। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा हो, ये 200 इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको रफली बता दिए, इसका आपको बेसिक जो है मतलब आप और भी डीप में इसको जान सके जब एमसीक्यू का जो मैं पोर्शन जो कवर करूंगा उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।